गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग विद अ न्यू वीडियो। टाइम हो गया है करीब 7 o'clock का टाइम है। आज है तनिषा की स्कूल में पीटीएम, उसका कि अभी इनका जो हाफ ईयरली हुआ था उसका रिजल्ट आएगा, तो बस अभी हम लोग तैयार है वहाँ जाने के लिए। अभी नहा चुके हैं, अभी नाश्ता भी किया नहीं है, नाश्ता भी आगे करेंगे। ये चने बस काले चने बॉइल कर दिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर ब्रश कर लिए, इसमें चने काले चने बॉइल कर दिए। चलो बेटा, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? हैं, जवाब नहीं है, वो डर ही अंदर से है। कैसे मार्क्स आएंगे, क्या है देखते हैं, कैसा आता है इसका रिजल्ट देखते हैं। मैंने तो निकली थी अपनी डर से पूरी, तो बस अब हम लोग बस निकलने तैयार हैं। टाइम हो गया है अभी करीब 11 बज गए, और हम लोग इसके स्कूल से आ गए थे पीटीएम से। मार्क्स उसके ठीक ही आए हैं, कोई खास अच्छे भी नहीं है, लेकिन ठीक है। फिर भी आगे बेटा थोड़ी मेहनत करना, ठीक है? और बाकी ये अभी कुछ बनाया था नहीं हमने, 11 बज के नाश्ता नहीं किया, तो मैं बाहर से इनके लिए कुलचे ले आया था। मैंने बॉयल जो काले चने बॉयल थे, मैंने बॉयल काले चने खाए थे। मैं गया होता बाहर काम से अभी, और करीब 1-1.5 घंटा भागा था, और अभी आया हूँ मैं। और टाइम बच गया है, देखो 7:15 का टाइम है ऑलमोस्ट। तो निशा बस यहाँ पर खाना खा रही है, और मेरा भी खाना आ गया है। ये रहा मेरा खाना। खाने में आज बना है काले चने बने हैं, और चावल है, चपाती है, और प्याज है, साथ में हरी मिर्च है। चलो, कैसे बनी बेटा सब्जी? खाई नहीं बेटा? रिचा आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आओ तुम भी आओ जल्दी, खाना खा लो। तो भाई जब टाइम हो गया, शाम का बज गया पूरा 6, और बस हम लोग मतलब तैयार है। मैं रिचा हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे वॉक करने जाएंगे। नहीं चलना बेटा, नहीं चलना, आ जा। तो चलिए बस हम लोग भी जा रहे हैं वॉक करने के लिए। तो गाइस हम लोग बस टहल के आ गए, मैं और रिचा, और अभी हमारा प्रोग्राम हो रहा है बंगला साहिब जाने का, और हम लोग जाएंगे बंगला साहिब। टाइम देखो 7:15 का हो गया, तो चलें बेटा। मेरे रिचा भी तैयार है, बस आपको भी मिलते हैं रास्ते में। तो बंगला साहिब के लिए निकल चुके हैं। आप कब तक पहुंचेंगे बंगला साहिब? आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे बंगला साहिब। तो आगे वो आ गया, अंदर ही पहुंचे। आई लव यू कैंडी है ना। हम बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं, अभी उसकी पार्किंग में हैं। तो शायद ही हम बंगला साहिब का ब्लॉग बना पाएंगे, क्योंकि ना वहाँ पे ना मतलब फ़ोन बहुत चोरी होता है, तो इसलिए हम शायद ही वहाँ का ब्लॉग बना पाएंगे। अगर बनाएंगे तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा इसमें। तो गाइस हम लोग बस पहुँच गए हैं अभी बंगला साहिब गुरुद्वारे। बहुत प्यारा है बंगला साहिब गुरुद्वारा। पहले जूते उतारते हैं। ये रहा, यहीं पर ही है। तो बस हमने प्रसाद ले लिया, गुरु जी का प्रसाद ले लिया, बस अब यहाँ पर चढ़ाते हैं, फिर आगे दर्शन करते हैं। भाई रात को देखो कितना रश है, करीब 8:30 का टाइम है, और फिर भी कितना रश है अभी भी। वाह कितना प्यारा है। कितना प्यारा व्यू है भाई यहाँ से। तो मम्मा
वाओ कितनी प्यारी मछली है, कितनी रंगी प्यारी प्यारी मछली है। देखो फिश जा रही, मेरी मछली को हाथ लगा लो, मछली हाथ लगा ली, मैंने हाथ लगा ली फिश को, लगा दी मैंने क्या हाथ को लगा दी बड़ी हार है, बहुत हार है, बहुत हार, बहुत हार। हम लोग देखो यहीं पर नहीं, अभी कितना प्यारा व्यू है भाई यहाँ का। यहाँ पर देखो ये लंगर कर रहे हैं, यहाँ पर लंगर होता है, यहाँ पर देखो बहुत रश होता है, गुरु जी का प्रसाद होता है ये। हम अभी अम्मी जाएंगे लंगर चखने यहाँ पर, तो बस हमारा अब लंगर वगैरह हो चुका हमारा। इधर यहाँ बैठे हुए मुँह चुका के देखो, तो ना देखो हमारा लंगर हो गया। अब हम यहाँ बैठे हैं थोड़ी सी हवा खाने के लिए, अब हम निकलेंगे थोड़ी हमें 10 मिनट यहाँ बैठ के, फिर हम निकल जाएंगे घर। नहीं नहीं बेटा अभी निकलना, अच्छा तो बस हम थोड़ी देर बैठ के फिर हम निकल लेंगे घर के। हाँ तो बस अभी हम यहाँ से एक लंबा राउंड लगा रहे हैं, तुम एक रिचा तहिचा तुम्हें काम करो, तुम यहाँ से चलो, मैं यहाँ से शॉर्टकट आ रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ डुबकी लगा के आ रहा हूँ, ओके मैं आ रहा हूँ शॉर्टकट, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से शॉर्टकट आ रहा हूँ ना। भाई कितनी सारी फिश, कितनी कलरफुल है, रेड वाइट ब्राउन ब्लैक ने कलर। अब हम लोग जा रहे हैं साथ साथ, बस अब हम जा रहे हैं घर के लिए, दर्शन हो गए हमारे बंगला साहिब के, गुरु जी के दर्शन हो गए, अब हम जा रहे हैं घर। चलो भाई घर, प्रसाद ले लिया हमने, लंगर भी चख लिया, अब हम घर की ओर निकल रहे हैं। बस कुछ 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, फिर मिलेंगे घर पहुंच। हम लोग बस बिल्कुल जस्ट अभी भी आए हैं, बस कपड़े चेंज किए हमने, टाइम देखो साढ़े दस का टाइम हो गया भाई, मजा आ गया आज गुरुद्वारा जा करके, बड़ा अच्छा फील हुआ जा गुरुद्वारा जा करके, बहुत अच्छा। तो कैसा लगा बेटा शाम के, एक्चुअली शाम के समय इसी में ड्राइव करने का मजा लगा है, क्योंकि इतनी ठंडी है और बाहर खुला एरिया है, हाँ तो कैसा अच्छा शाम को लगता है, काफ़ी अच्छा मौसम था इसी में। हमने वहीं पर अपना जो लंगर लंगर था हम चख लिया था, प्रसाद गुरु जी प्रसाद चख लिया था, और सबका पेट हो गया बहुत टाइट। तो बस चलिए आज के ब्लॉग पर कहते हैं, आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करिए शेयर करिए और ज्यादा सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय गुड नाइट।